हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर नेट बेबी ड्रेस, जिसके लिए यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक लिया है जो है 2 मीटर्स, और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है वो भी है 2 मीटर्स, और रफल बनाने के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है वो है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले टॉप पार्ट बनाने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। यह है हमारा बेस का फैब्रिक। शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन टू कर लेना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 9 इंचेस। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी 13 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। देखिए, यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। ये हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की ब्रॉडनेस मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस, और लेंथ मैं लूँगी 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करना है हमें, तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। हमें इसे कट करना है, तो टॉप का पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, नेट के फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में लिया हुआ है। जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हमें यहाँ पे प्लेस करना है, और हम इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो जैसे मैंने रखा है वैसे ही हम इसे कट करेंगे। ये हमने कट कर लिया है, तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं नेट के फैब्रिक से। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक हमने 4 फोल्ड में लिया हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 18 इंचेस जितना, और यहाँ पे मैंने लेंथ ली है 25 इंचेस। जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हमें 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है, और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक। उसके बाद यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे, तो इस पार्ट को हमें कट करना है। बॉटम का पार्ट इस तरह से हमने कट कर लिया है। ये है हमारा बेस का फैब्रिक बॉटम के लिए। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। नेट के फैब्रिक को भी मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 18 इंचेस जितना। अब उसी तरह से यहाँ पे भी हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है, और यहाँ पे हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। तो इसकी लेंथ भी मैंने ली है 25 इंचेस। तो ये हमारा नेट का फैब्रिक। मैंने उसी मेथड से नेट के फैब्रिक को भी कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है नेट के फैब्रिक से। अब देखिए, रफल बनाने के लिए मैंने सैटिन का फैब्रिक लिया हुआ है, जिसे मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब यहाँ से हमें 2.5 इंचेस पे एक मार्क करना है, और यहाँ से लेंथ मार्क करनी है 6 इंचेस। इस तरफ से भी हमें 6 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। अब देखिए, ये जो हमने मार्क किया था इस पॉइंट को हमें एक्सटेंड करते जाना है, और इस पॉइंट से हमें मिला देना है राउंड शेप देते हुए इस पार्ट को हमें। उसके बाद यहाँ से लेंथ मार्क करनी है 6 इंचेस। तो 6 इंच का हम डिफरेंस रखते हुए इस तरह से एक और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो इसे हमें कट कर लेना है। ये मैंने कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 लेयर बन के आए हैं। अब यहाँ से हम कट लगा के इसे सेपरेट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले मैंने नेट के फैब्रिक को राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें बेस का फैब्रिक उल्टा रखना है। दोनों को अच्छे से मिलाना है।
उसके बाद हम आर्म होल, नेक पार्ट और हमारे दूसरे आर्म होल में सिलाई करेंगे। उसी तरह से इस तरफ भी हमें बेस का फैब्रिक उल्टा रखना है और यहाँ पे भी हम दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद आर्म होल, नेक पार्ट और दूसरे आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हमें बेस फैब्रिक को बैक साइड पे टर्न कर लेना है। दोनों आर्म होल को अच्छे से निकालिए और हम इसे अच्छे से राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा आर्म होल और नेक पार्ट तैयार हो जाएगा। इसी तरह से इस पार्ट को भी हमें टर्न कर लेना है। तो ये दोनों पार्ट्स को हमने टर्न कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट तैयार है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का बेस का फैब्रिक है जिसके ऊपर हम नेट का पार्ट रखेंगे और यहाँ पे भी हम दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी तैयार करना है। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स को इस तरह से तैयार कर लिया है। बेस फैब्रिक के साथ मैंने ज्वाइन कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है बॉटम का, जिसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा के हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। उसी तरह से इस तरफ भी हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और सिलाई लगा के हम दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए टॉप और बॉटम को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें पैटर्न तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमें रफल पैटर्न बनाने वाली हूँ। तो ये जो हमने दो लेयर कट की थी उसे दोनों को हमें सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ से कट करके हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह की हमारे पास दो लेयर है। अब जो हमारी ऊपर की लेयर है उसकी हम लेंथ कम करेंगे। तो अप्रोक्स हम 2 इंचेस जितना निकाल देंगे। तो कट करके हमें उसी शेप में इसे कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से हमारे दो लेयर तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हमें इसे पिको कर लेना है। तो ये जो हमारे बॉर्डर है दोनों के बॉर्डर को हम पिको कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पिको कर लिया है। उसके बाद हमें इस पार्ट को जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इस पे हमें आर्म होल से इसे लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम रैंडमली इस तरह की प्लिट्स डालेंगे नीचे तक। तो सबसे पहले हमें इसमें प्लिट्स बना लेनी है। तो इस तरह से मैंने छोटी छोटी प्लिट्स डाली है। उसके बाद इसके ऊपर हम इसे रखेंगे और सिलाई लगा के यहाँ पे सबसे पहले हम इसे जॉइन कर लेंगे। यहाँ तक यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। तो देखिए इस रफल को मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो दोनों शोल्डर्स को मिलाने के बाद हम शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। शोल्डर फिटिंग के बाद हमें फ़िटिंग करना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फ़िटिंग कर लेंगे।
तो दोनों तरफ हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर तैयार करनी है। तो दोनों फैब्रिक को साथ में आप इसके नीचे हमें इस तरह की मैंने स्ट्रिप ली हुई है 2 इंचेस की, जिसे हम बैक साइड पे उल्टा रखेंगे और सिलाई कर लेंगे पूरी लेंथ में। सिलाई करने के बाद इस स्ट्रिप को हमें राइट साइड पे टर्न करना है और हल्का सा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे इस तरह की बॉर्डर तैयार हो जाएगी। तो पूरी लेंथ में हमें इस तरह की बॉर्डर तैयार करनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर को तैयार कर लिया है और यहाँ पे मैंने इस तरह का रेडीमेड पेच लगा दिया है। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है या फिर इसे फैब्रिक ग्लू से भी फिक्स कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर नेट बेबी ड्रेस बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारी डिज़ाइनर नेट बेबी ड्रेस विथ रफल पैटर्न। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही में उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।